हेलो एवरीवन, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट आ चुका है। हर साल यहाँ से वैकेंसी आती है, टीचर्स की वैकेंसी आती है और साथ में रिसोर्स पर्सन की भी वैकेंसी यहाँ निकाली जाती है। परमानेंट पोस्ट रहती है और 4 राज्यों की भर्ती आई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कर्नाटक। जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पर जो है मिनिमम सैलरी जो है 40,000 रहती है। सीटेट या टेट जो है यहाँ नहीं चाहिए। अगर आपने बीएड किया है, डीएड किया है, एसटीसी किया है, बीटीसी किया है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेन वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले मेन वेबसाइट है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की। 4 राज्यों से जो है वैकेंसी आई हुई है और इनका जो लिंक है ये सरकारी स्कूल से रहता है। अगर आप जो है रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करते हैं या टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है। और काफी अच्छी जो है वैकेंसी रहती है, परमानेंट जो है पोस्ट यहां पर निकाली जाती है। हर साल जो है यहां पर वैकेंसी आती है। पिछले साल जब वैकेंसी आई थी तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ फिल भी किया था। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपकी रह जाती हैं और फॉर्म फिल नहीं होता है तो उसके बाद जो है आप लोगों को कॉल जो है नहीं आता है या ईमेल नहीं आता है, ठीक है। तो क्लियरली सारी चीजें समझना है। सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। यहाँ पर आप लोगों को करियर सेक्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, अपॉर्चुनिटी या एसोसिएट रिसोर्स पर्सन। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट इवेंट, इसे आप पढ़ें। यहाँ लिखा है नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्कूल टीचर एंड रिसोर्स पर्सन, यानी अब अगला जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा, स्कूल टीचर्स का रहे चाहे रिसोर्स पर्सन का, 25 नवंबर 2023 को होगा, ठीक है, सैटरडे को। आप लोगों को अप्लाई करना है 18 नवंबर 2023 तक, ये लास्ट डेट रहेगी। और इसके बाद जो है आप लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, पिछले बार भी जो है मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी, डेट भी बताई थी और बच्चे बाद में फॉर्म फिल कर रहे थे और बहुत सारे जो है क्वेश्चन उनके थे। तो यहाँ पर सारी चीजें आप समझें। सबसे पहले टेस्ट होगा आप लोगों को और उन स्टूडेंट्स को जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को जो कि रिटन टेस्ट में पास होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या होगा, आप लोगों का एक इंटरव्यू रहेगा। नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोगों का इंटरव्यू। जो भी बच्चे यहाँ पर रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू रहेगा, आप लोगों को कॉल या ईमेल आएगा, ठीक है। टेस्ट आपका 25 नवंबर 2023 को होगा। अप्लाई करने के लिए रिसोर्स पर्सन पोजीशन यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्कूल टीचर पोजीशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। और बाकी जितनी भी डिटेल चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे जो है यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, इसके लिए आप लोगों को यहाँ थर्ड नंबर पर जो क्लिक हियर लिखा है यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर स्कूल टीचर पोजीशन जो 4 जगहों से वैकेंसी है इसके बारे में अच्छे से बता दूंगी। यहाँ पर जो है क्लिक हियर पर जो है आप लोग आएंगे और ये आपके सामने स्कूल टीचर का पूरा पेज जो है ओपन होगा। यहाँ पर सारी चीजें जो है लिखी हुई है, क्या क्या फैसिलिटी जो है यहाँ पर रहती हैं, और इसे आप पढ़ लेंगे। अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर कौन कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड में, लोकेशन है उधम सिंह नगर उत्तराखंड। नेक्स्ट जो है कर्नाटक राज्य में है, यादगिर कर्नाटका कालाबुरागी। नेक्स्ट स्कूल टीचर राजस्थान में जो है टोंक, सिरोही एंड बाड़मेर, ठीक है। ये नीचे जो डेट लिखी हुई है इस पर आप ना जाएं, क्योंकि 25 नवंबर जो है बिल्कुल टेस्ट की जो है नेक्स्ट डेट है। हर साल यहाँ पर वैकेंसी आती है तो इस तरीके का पेज जो है यहाँ पर डाला गया है, ठीक है, ये पिछला है। तो स्कूल टीचर उत्तराखंड में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो है लोकेशन जो है वो धमतारी छत्तीसगढ़, ठीक है, ये है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को राजस्थान का ही बता देती हूँ। राजस्थान का अगर आप ओपन करेंगे अप्लाई करने के लिए तो यहां पर जॉब डिस्क्रिप्शन नजर आएगा, यानी कि अजीम प्रेमजी स्कूल बाड़मेर में अपर प्राइमरी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन टीचर, अजीम प्रेमजी स्कूल टोंक में अपर प्राइमरी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन टीचर, अजीम प्रेमजी स्कूल सिरोही में ईसीई प्री प्राइमरी के लिए और प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन आप अगर देखेंगे तो बीएड, डीएड, डीएलएड यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं, एसटीसी, बीएसटीसी वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आपके पास कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी जो है टेट या सीटेट जो है यहाँ पर नहीं चाहिए, किसी भी राज्य के कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे।
नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर जो क्या काम रहेगा, तो काम जो है टीचर्स का काम क्या होता है, तो बच्चों को जो पढ़ाना होता है, पार्टिसिपेट इन एंड बिल्ड स्कूल प्रोसेस, ठीक है, कि स्कूल में जो भी प्रोग्रेस है बच्चों से रिलेटेड, जितनी भी प्रोग्रेस है वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को, यहाँ जितनी भी को करिकुलम एक्टिविटी है ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होगी, ठीक है, पढ़ाना होगा, साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों को सिखानी होगी, यानी बच्चों को जो है आगे के लिए आप लोगों को तैयार करना है। डिपार्टमेंट क्या है, टीचर है, लोकेशन है टोंक, सिरोही और बाड़मेर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा आ जाएगा पेज, इसे आप लोग फिल करेंगे और लास्ट में रहेगा सबमिट का ऑप्शन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्या क्या जो है आप लोगों को फिल करना है। पर्सनल डिटेल आप भर लेंगे, यहाँ पर टाइटल भरेंगे, टाइटल में जो है यहाँ लिखा है आप मिस्टर हैं, मिस हैं या मिसेज हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद जो है एड्रेस आप लिख देंगे, सिंपल है बिल्कुल, परमानेंट एड्रेस जो है वही आप लिख दें। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो यहाँ पर लिख दें, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें एक चीज़, जैसे कि ये देखिए कोर्स या डिग्री, यहाँ ऊपर है स्टार, जहाँ पर स्टार है तो उन ऑप्शन को, उन कॉलम को आपको भरना ही होगा। यदि आप नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो फिल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, जिसके पास नहीं है तो बिल्कुल इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल मांगी गई है, यानी ग्रेजुएट आपका होना कंपलसरी है, तो इसे आप पूरा भरेंगे, कोर्स या डिग्री का नेम भरेंगे। आपने जो है यहाँ पर क्लिक करना है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, क्या किया आपने, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है यहाँ आप लिख देंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिख देंगे, परसेंटेज क्या है, ईयर आपने कौन से ईयर जो है इसे कंप्लीट किया है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ईयर चूज करना है, बहुत ही सिंपल रहेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो लिखें, नहीं है तो बिल्कुल नहीं भरें। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप लोगों को अगर जो है पहले कहाँ से मिली है ये सारी चीज़ें आप लिखें, अगर आप पहले जो है पढ़ा रहे हैं कहीं तो उसकी जो है डिटेल आप लिख दें, ठीक है। सैलरी जो है आप लोगों को क्या मिल रही है ये सारी चीज़ें भर दें, और किस ईयर जो है आप लोगों ने काम किया है अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ये लिख दें। यहाँ पर स्टार नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्पेसिफाई टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो है आप लोगों का 1 साल 2 साल कितना है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या 0 है तो 0 पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जो है यहाँ पर मिनिमम अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल का भी है तो भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। मंथ कौन से मंथ जो है आपने कितने मंथ आप लोगों ने पढ़ाया है तो ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये क्लियरली जो है चीज़ें सुनते जाएं, क्योंकि बाद में जो कन्फ्यूजन होता है, यहाँ स्टार है यानी यहाँ पर आप लोगों को भरना ही होगा, ब्लैंक छोड़ेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। लैंग्वेज कौन सी आप जानते हैं, हिंदी जानते हैं तो केवल हिंदी लिख दें, ठीक है, या फिर आप जो है कोई तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, जो भी भाषा आपकी है। रेफरेंस यानी आप लोगों को जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो उस पर्सन का, जैसे आप यूट्यूब चैनल से मिली है तो यूट्यूब चैनल पर यहाँ नाम लिखें, ठीक है, वो उनका व्यवसाय क्या है, ये सारी चीजें लिख दें, एड्रेस लिख दें, मोबाइल नंबर, या फिर आपको किसी अपने फ्रेंड से पता लगी है, रिलेटिव से पता लगी है तो उसका यहाँ पर डिटेल में लिख दें। और अगर कोई और भी अगर कोई चीजें हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पर जो है कंपलसरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखना है, बाकी यहाँ मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है, नाम लिखना जरूरी है, और उसका क्या जो रोजगार है ये लिखना जरूरी है। एड्रेस भी ना लिखें तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो है, अगर आपने पहले कभी इंटरव्यू दिया है तो यहाँ पर आप जो है यस लिख दें, अगर नहीं दिया है तो नो लिख दें, ठीक है, फिल आपको करना ही होगा, नो लिख दें अगर नहीं दिया है कभी तो। हैव यू कम्प्लीटेड बी एड, डी एड, बी पी एड, एम एड, अगर आपने जो है इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी चल रही है या आपने कंप्लीट कर लिया है तो यस या नो जो है आपको लिखना होगा। अब आगे चलें, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो यहाँ पर हाउ डिड यू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, कैसे पता लगा आप लोगों को, तो भाई आप लोगों को न्यूज़पेपर से पता लगा, व्हाट्सएप से पता लगा, सोशल मीडिया से पता लगा, किससे पता लगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी, इस पर एक पर क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर जॉब लोकेशन जो आपकी क्या रहेगी, तो 3 ही जगह पर वैकेंसी है, बाड़मेर, सिरोही और टोंक। नेक्स्ट जो है चूज योर सब्जेक्ट फॉर रिटन टेस्ट, किसमें जो है आप लोग एग्जाम किसके लिए एग्जाम देना चाहते हैं, ईसीई के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी इंग्लिश, या फिजिकल एजुकेशन टीचर के, तो ये आपको चूज करना होगा। उसके बाद अपना जो सीवी है, ठीक है, अपलोड रिज्यूम, अपना जो बायोडाटा है, रिज्यूम है, सीवी है, आप लोग इस पर अपलोड कर देंगे, बहुत ही जो है सिंपल चीज है। और यहाँ लिखा है फाइल साइज शुड बी 2 MB, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग
क्लिक करेंगे कि जितनी भी जानकारी आपने दी है बिल्कुल ठीक दी है और आपके द्वारा बिल्कुल सोच समझकर किया गया, उसके बाद सबमिट कर देंगे। बस इतना सा ही आप लोगों को करना है और उसके बाद आप लोगों को रिटर्न टेस्ट के लिए रेडी रहना है। रिटर्न टेस्ट में आप लोग जिस के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, अगर आप प्री प्राइमरी के लिए करना चाहेंगे, प्राइमरी के लिए करना चाहेंगे या अपर प्राइमरी, तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। वैसे आप बी एड, डी एड, बी टी सी, एस टी सी किए हुए हैं तो आप उसी से संबंधित जो है चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये पूरी जानकारी जो है मैंने आप लोगों को दे दी है, अच्छे से जो है समझ कर वीडियो अंत तक देख कर उसके बाद ही जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करें। अगर आप उत्तराखंड के लिए, कर्नाटक के लिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, हर साल जो है यहाँ से वैकेंसी निकलती है।